बत्तीस बिट और चौसठ बिट प्रोसेसर होता है वट इज बत्तीस बिट बिट चौसठ बिट प्रोसेसर कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं वह भी अधिक से अधिक समय तक ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कितने बिट का प्रोसेसर लेना चाहिए बत्तीस बिट या 64 बिट क्योंकि कंप्यूटर में सारे काम तेजी से करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम साथ प्रोसेसर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर है वॉट इज 32 बिट बिट 64 बिट प्रोसेसर एवं इन दोनों में क्या अंतर है और कौन से प्रोसेसर का कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए आज इन सभी के बारे हम समझेंगे इन सभी को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये बिट क्या होती है बिट क्या होती है वॉट इज बिट बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर करता है इसे बाइनरी डिजिट मान के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे केवल दो मानों में से एक को धारण कर सकता है शून्य या एक आठ आठ आथ बिट के बराबर एक बाइट होती है कंप्यूटर में जितना भी डेटा है वह शून्य एक शून्य शून्य एक इत्यादि से पहचानता है मतलब यह है कि कंप्यूटर में हम जितनी भी डेटा या अन्य चीजें स्टोर करते हैं कंप्यूटर उसे शून्य एक शून्य शून्य एक से याद रखता है और यही सब बिट कहलाती है बत्तीस बिट प्रोसेसर है वॉट इज बत्तीस बिट प्रोसेसर बत्तीस बिट प्रोसेसर सीपीयू आर्किटेक्चर का प्रकार है जो बत्तीस बिट डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता रखती है यह प्रोसेसर उस डेटा और सूचना को स्टोर करता है जिसे आप सीपीयू को कार्य करने देते हैं और उसे आसानी से प्रोसेस कर सकता है 1990 के दशक तक बत्तीस बिट बिट प्रोसेसर में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता था 832 बिट प्रोसेसर लगभग चार दो सौ चौरानवे नौ सौ सड़सठ दो सौ छियानवे बाइट डेटा स्टोर की जाती है किंतु यह संख्या बहुत बड़ी है जिसे याद रख पाना सभी के लिए मुश्किल है इसलिए जब इसे गीगाबाइट जीबी में कन्वर्ट किया जाता है तो चार जी रैम होती है यानी कि एक बत्तीस बिट बिट प्रोसेसर रैम मौजूद होती है चौसठ बिट प्रोसेसर है व्हाट इज चौसठ बिट प्रोसेसर चौसठ बिट प्रोसेसर सीपीयू आर्किटेक्चर का प्रकार है जो चौंसठ बिट डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता रखती है यह प्रोसेसर अधिक से अधिक डेटा और सूचना को स्टोर करता है जिसे आप सीपीयू को कार्य करने देते हैं और उसे आसानी से प्रोसेस कर सकता है आठ चौसठ बिट प्रोसेसर लगभग अठारह चार सौ छियालीस सात सौ चौवालीस शून्य सात तीन सात सौ नौ पाँच सौ इक्यावन छह सौ सोलह बाइट डेटा स्टोर की जाती है जब इसे गीगाबाइट जीबी में कन्वर्ट किया जाए तो यह सत्रह एक सौ उनासी आठ सौ उनहत्तर एक सौ चौरासी होगी आता जब ऐसे एक सा ई बी में कन्वर्ट किया जाए तो इस प्रोसेसर में सोलह एक साबाइट्स रैम संदर्भित होती है यानी कि इसमें चार जी से बहुत अधिक रैम की क्षमता होती है बत्तीस बिट प्रोसेसर चौसठ बिट बिट प्रोसेसर है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बत्तीस बिट प्रोसेसर एंड 64 बिट प्रोसेसर बत्तीस बिट प्रोसेसर 64 बिट बिट प्रोसेसर अंतर है एक डेटा को स्टोर करने की क्षमता में अंतर जैसा कि नाम से पता चलता है कि 32 बिट प्रोसेसर बिट बिट प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर जो है बिट प्रोसेसर की तुलना में कम बिट प्रोसेसर सकता है दो रैम सपोर्ट में अंतर चूंकि 32 बिट प्रोसेसर 3 से 4 जीबी तक रैम मौजूद होती है जबकि 64 बिट बिट प्रोसेसर रैम जो बहुत ही अधिक है मौजूद होती है जिससे 64 बिट प्रोसेसर में बिट प्रोसेसर करने की क्षमता रखता है तीन सिस्टम की अनुकूलता में अंतर एक 32 बिट प्रोसेसर 32 बिट बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता होती है लेकिन वह उसमें चौसठ बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम चौसठ बिट बत्तीस बिट से अधिक है वहीं दूसरी ओर एक चौसठ बिट प्रोसेसर चौसठ बिट बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता होती है इसके साथ ही चौसठ बिट के प्रोसेसर में चौसठ बिट और 32 बिट दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम चार प्रति सेकंड गणना करने की क्षमता में अंतर 32 बिट प्रोसेसर कोर ड्यूल कोर प्रोसेसर के दो भाग और क्वाड कोर प्रोसेसर के चार भाग तक वर्जन आता है जबकि चौसठ बिट बिट प्रोसेसर कोर क्वाड कोर सिक्स कोर प्रोसेसर के छह भाग और आठ कोर का मतलब प्रोसेसर के आठ भाग तक वर्जन आता है जिससे इसकी गणना प्रति सेकंड बहुत ही अधिक होती है पांच सिस्टम उपलब्ध में अंतर 32 बिट का प्रोसेसर विंडोज सात विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा विंडोज आठ और लिनक्स सिस्टम को सपोर्ट करती है वहीं दूसरी ओर 64 बिट का प्रोसेसर विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल प्रोफेशन विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 10 विंडोज विस्टा लिनक्स और मैक ओएस एक्स को सपोर्ट करती है इसके अलावा विंडोज 13 भी आने वाली है जिसमें चौसठ बिट का प्रोसेसर मौजूद होगा छह मल्टीटास्किंग कार्य करने में अंतर एक 32 बिट प्रोसेसर मल्टीटास्किंग कार्य करने पर आपका कार्य बहुत ही धीरे होगा मतलब आप एक साथ बहुत सारे क्रोम को अगर ओपन करके अपना कार्य करते हैं तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ही धीरे काम करेगा जबकि 64 बिट प्रोसेसर आप मल्टीटास्किंग कार्य आराम से कर सकते हैं क्रोम के साथ साथ और भी कई सारे एप्लीकेशन को ओपन करके आसानी से चला सकते हैं और यह बहुत ही तेज़ कार्य करने की क्षमता रखता है बत्तीस बिट प्रोसेसर 64 बिट बिट प्रोसेसर चाहिए विच वन शुड बी टेकन बत्तीस बिट प्रोसेसर एंड 64 बिट प्रोसेसर चौंसठ बिट का प्रोसेसर 32 बिट के प्रोसेसर से अधिक पावरफुल होता है अगर आपके पास एक 32 बिट का प्रोसेसर है तो उसमें केवल चार जी बी रैम होगी इसके अलावा आपको 32 बिट के एप्लीकेशन एवं 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना होगा किंतु अगर आप एक चौसठ बिट प्रोसेसर या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आप चौसठ बिट का ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो चला ही सकते हैं और 32 बिट ऑपरेटिंग बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सकते हैं इसके अलावा कंपनियां बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन का भी निर्माण कर रही है जो केवल एक चौसठ बिट प्रोसेसर कंप्यूटर और बिट प्रोसेसर करेगी अगर आप अपने लैपटॉप एवं कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े कार्य जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य ऐप बनाना इत्यादि एवं मल्टीटास्किंग कार्य करते हैं तो आपके लिए एक चौसठ बिट का प्रोसेसर सबसे बढ़िया होगा क्योंकि इससे आपके काम में तेजी होगी और न ही आपका डिवाइस हैंग होगा और इसमें अधिक से अधिक डेटा को भी स्टोर किया जा सकता है आने वाले समय में 32 बिट का प्रोसेसर बंद भी हो सकता है इसलिए अगर आप लैपटॉप एवं कंप्यूटर का चुनाव करते हैं या लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि 64 बिट प्रोसेसर ही चुनाव करें अगर भविष्य में और भी कोई बड़े बड़े एप्लीकेशन या गेमिंग का निर्माण किया जाएगा तो आप आसानी से अपने चौसठ बिट बिट प्रोसेसर या लैपटॉप में चला सकते हैं